वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है ना बाहर के ममालिक से। गंदम वाले मामले से कोई ताल्लुक नहीं, गंदम की कितनी ज़रूरत है इसका फैसला वफाक करता है। लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे ऊपर कोई इंक्वायरी हो, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई काम किया नहीं, ना ही रिश्वत ली, और रिश्वत लेने वाले पर भी लानत है और देने वाले पर भी। अगर कोई 10 साल बाद भी हमारे खिलाफ कुछ निकल आए तो जवाब दूंगा, वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पंजाब गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदती है ना कि बाहर के मुल्कों से, तो पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक ना बनता है ना है ना था। पंजाब एक अपना कोटा मुकर्रर करता है कि हमें इतना ख़रीदना है, वो हर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट करती है। उसके बाद पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है। इसी लेवल पे किसी ने अगर कुछ चीज़ की है तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है, सामने आ जाएगी। रिश्वत लेने वाले पे भी लानत है और करने वाले पे भी। 10 साल बाद भी हम उसके लिए भी रेडी होंगे कि हम अपने आप को जवाब दें। मोहसिन नकवी ये गुफ्तगू कर रहे थे, वफाकी वज़ीर दाखला हैं। उनका ये कहना था कि पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है गंदम के इशू से, क्योंकि ये तमाम फैसले वफाक करता है, और बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है कि मेरे से मुतालिक कोई इंक्वायरी हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कोई काम नहीं किया, और रिश्वत लेने वाले पर भी लानत है और देने वाले पर भी। अगर 10 साल के बाद भी कुछ निकल आया तो मैं जवाब दूंगा, ये उनकी जानिब से कहा गया।